राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है दिन सैटरडे और बच्चों के स्कूल का दिन है। बच्चों ने स्कूल जाना है तो मैं भी आज सुबह जल्दी उठ गई थी और अभी उठ करके मैं अपने सुबह के काम ही निपटा रही हूँ। अभी लगभग सुबह के 5 बजे का टाइम हो रहा होगा और उठ करके मैंने पानी चला दिया है। बस मैं अभी झाड़ू पोछे में लग गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ और उधर पानी भी भर रहा है। और आजकल ना पानी बहुत गंदा आ रहा है, चला करके छोड़ दो 10-15 मिनट तो फेंकना ही पड़ता है और फिर उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि पानी साफ ही आ जाए। तो मैंने भी बहुत पानी में फेंक चुकी हूँ और कुछ बाल्टियों में भरा भी है, लेकिन वो भी फेंकना ही है अभी, क्योंकि वो दिल को तसल्ली नहीं है ना ये पानी साफ है करके। तो अभी मैं उसको भी फेंक दूंगी। और पानी फेंकते फेंकते मैंने इधर सफाई भी कर दी है और सारा धो दिया है किचन। और देखिए, मेरे को ये काम करते करते 5:30 हो चुके हैं और 5:30 का टाइम हो चुका है। तो मैंने इधर छोले बनने हैं आज, तो छोले उबालने के लिए भी रख दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये देखिए, पानी भी मैंने 2-3 बाल्टियों में भर रखा है, लेकिन इसे भी देखिए पीला पीला सा हो रहा है ना, तो पानी और चलता पानी छोड़ रखा है मैंने। और फिर पानी सही नहीं था तो मैंने पानी बंद ही कर दिया था। मैंने कहा खाली फालतू का वेस्ट हो रहा है। और अब इतने में बच्चे भी उठ गए हैं, नीलाक्ष उठ करके आ गया है, तो मैंने कहा चलो पहले इसका मुँह हाथ धुला करके नहला दूँ इसको। इसने पेस्ट वगैरह किया था और अपना फ्रेश हुआ था, फिर मैंने नहला दिया और अब मैं भी नहा के किचन में आ चुकी हूँ। छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं और अब मैं लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगा दूंगी और फिर उसके बाद नीलाक्ष के लिए लंच बना दूंगी। माही को तो आज लंच लेके नहीं जाना है क्योंकि उसकी आज हाफ डे है, तो 1-2 घंटे में वो स्कूल से आ जाएगी। तो बस अब मुझे फटाफट से रोटी नीलाक्ष के लिए बनानी है। आलू बॉईल पड़े हैं तो उसके लिए सोच रही हूँ पराठा बना दूँ, आलू का पराठा, क्योंकि छोले तो ले जाने में भी थोड़ा सा हो जाएगा कि इधर उधर गिर गिरा जाए। और फिर पराठा उसने कहा था मेरे लिए आलू का पराठा ही बना देना, तो मैं उसके लिए पराठा बना देती हूँ, छोले आकर के खा लेगा चावल के साथ। तो बस अभी 7 बज चुके हैं तो मम्मी ने फिर दोबारा से पानी चला दिया। तो यही पानी दिखाने के लिए मुझे लाए थे कि पानी कैसा है, देख बदबू तो नहीं आ रही है और क्या कहते हैं उसको, साफ है या नहीं है। तो मैंने कहा देख लो, अगर सही लगता है तो छोड़ दो टैंकी में, नहीं तो रहने दो। और फिर इन लोगों ने थोड़ी देर पानी छोड़ ही दिया था और पानी फिर भर भी गया था। मम्मी भी लंच बना रही है, मैं तो लंच लेके नहीं जाऊँगी, मेरे को अभी 9:30 में मैं आ जाऊँगी। आज हाफ डे है और नीलाक्ष कैसा लग रहा है? फर्स्ट डे अच्छा लग रहा है और थोड़ा डिग डिग भी हो रही है, डिग डिग थोड़ा डिग डिग भी हो रही है। अभी जा चुका है नीलाक्ष स्कूल, तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ आज सब्जी में छोले। तो इसके लिए गरम तेल में मैंने थोड़े बहुत खड़े मसाले डालने के बाद डाल दिया इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर, और इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का चला करके मैंने डाल दिया इसमें जो मेरा कटा हुआ प्याज था वो। अब बस इसको भी थोड़ा सा हिला लूँगी और फिर डाल दूँगी इसमें टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और इसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी भून ली है। और तो बस अब इसको थोड़ा बहुत चलाना है और मसाले को डाल देना है। मसाला लिया है मैंने वही अपने नॉर्मल से 4 मसाले, एक कटोरी में मैंने पहले से भिगा करके रख दिए थे, इससे मसाले जलते भी नहीं है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस वही नॉर्मल 4 मसाले जो धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक होता है वही है, कोई और दूसरे बाहर के मसाले नहीं है। तो बस इन मसालों को अच्छे से भुनने के बाद मैंने डाल दिए इसमें अपने बॉयल छोले। तो बस मेरी छोले की सब्ज़ी भी रेडी है और इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आंवला भी डाल दिया था, इससे कलर बहुत अच्छा आ गया। मैंने बनाया छोले और रोटी, ते पापा खाने हेलो।
आप सोच रहे होंगे कि मैंने घर की ड्रेस की पहन रखी, मैं तो स्कूल गई हुई थी, लेकिन एक्चुअल अंकल आज आए नहीं और मैं स्कूल जा भी नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज वैसे सैटरडे है, मंडे नहीं है, आज बहुत कम बच्चे आएंगे वैसे भी स्कूल में, लेकिन जाना तो मुझे था ही वैसे भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने भी मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर हमने नाश्ता कर लिया, मशीन में कपड़े धुलते रहे और नाश्ता कर लिया। अभी भी मशीन लगी हुई है और अब मैं जितने कपड़े धुलते जा रहे हैं उनको छत में डाल करके आ जाती हूँ। और फिर आज तो बच्चे स्कूल गए हैं तो अभी स्कूल से लाने का टाइम भी हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से अपना काम घर का निपटा लेती हूँ और फिर बाकी का काम देखते रहेंगे दिन भर का। अभी मैं छत से कपड़े डाल करके आई रही थी तो देखा कि अम्मा आई हुई हैं, तो अम्मा अभी आ करके बैठी हुई हैं, आज काफ़ी दिनों बाद आई है अम्मा। तो दोस्तों अभी मेरा सारा काम निपट चुका है और मैं काम करके हो चुकी हूँ फ्री। सुबह का काम भी कर लिया, सुबह मशीन लगा दी थी तो थोड़ा सा काम फैल चुका था और मशीन लगाओ तो फिर वही हो जाता है, और फिर उसके बाद मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ा और दोबारा पोछा लगाना पड़ा तो दोबारा फिर से नहाना भी पड़ा। तो अभी मैं नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ और मैंने लंच भी तैयार कर दिया दिन का। लंच में आज बनाया मैंने चावल और छोले, हमारे सुबह के पड़े हुए थे और अम्मा आई हैं तो उनके लिए थोड़ा सा, उनको कढ़ी पसंद है ना, तो थोड़ा कढ़ी भी बना दी है। तो लंच तो तैयार है, बस अब नीलाक्ष के स्कूल का टाइम हो रहा है तो नीलाक्ष को स्कूल लेने जा रही हूँ, और जब नीलाक्ष को लेके आ जाएंगे तो फिर हम लंच भी कर लेंगे। तो अभी जा रही मैं नीलाक्ष को लेने के लिए, उसे ले आती हूँ स्कूल से और टाइम भी हो ही गया है उसके स्कूल का। दोस्तों अभी हो चुका है शाम का टाइम और दिन में लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, बच्चे भी सो गए थे, बस अभी उठी हूँ, चाय वगैरह बना दी है, बस चाय पीते हैं, फिर छत में जाऊँगी, थोड़े बहुत कपड़े हैं कपड़े लेकर के आऊँगी, तो आपसे फिर मिलती हूँ। देखो दोस्तों फिर से बारिश आ गई, शाम हुई नहीं, बारिश आ जाती है आजकल, आज चौथा दिन है और जो कि बारिश फिर शुरू हो गई है, और आज तो बारिश ने पहले हवा चली और ये भी टूट गया हमारा, इसमें तार लगी होती है ना तो टूट गया ये। अब यहाँ से पानी सीधे इन्वर्टर में आ रहा है क्योंकि हमने इन्वर्टर यहीं पर रखा हुआ था, वैसे ढक तो रखा है, पन्नी वन्नी से कवर करके रखा है, अभी लगाएंगे उसको, तार बांधनी पड़ेगी ना उस पर ऊपर, तभी रुकेगा वो, नहीं तो शाम को अगर ज़्यादा तेज़ बारिश आई रात को तो पानी अंदर ज़्यादा आ जाएगा। और बारिश का ये पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, दिन भर अच्छी खासी धूप रह रही है और फिर शाम होते ही बारिश शुरू हो जा रही है।
अभी हो चुकी है शाम और शाम के टाइम पर आ गए थे आज दीदी जिया जी और ये भी माई के पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं तो चाय बना करके ले आई थी मैं तो सभी लोग चाय पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हो गई है रात और रात का हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, डिनर यानी कि हमारा हो चुका है और अभी हो रहा है हमारे घर में कुछ सेटिंग हो रही है तो दिखाती हूँ आपको क्या सेटिंग हो रही है और वो क्यों हो रही है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो देखिए सामान इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ सारा इसको खाली कर रहे हैं हम लोग। दादी अगर शंख मिलेगा तो शंख भी दे देना मुझे। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये इसको देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा तभी आपको पता चल पाएगा कि हम ये शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो कुछ चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्या ये कपूर है। तो अभी हमारा रात का काम ये है, अभी पूरा इस सब कुछ खाली कर करके दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहा है। ये उठा लिया। तो बस हम लोग ये काम करते हैं और आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।